दोस्तों, रानीपुर का कोई पीर हो, उस पीर का बेटा हो या दामाद हो, या कोई सिंध का वडेरा हो या सियालकोट का कोई जज हो, किसी के यहाँ भी कोई बच्ची काम काज के लिए कोई गरीब घराना रख जाता है तो हाल सबका एक ही होता है। दो वाक्यात हाल ही में जो दिखाई दिए हैं पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के मंजरनामे पर उभरे हैं, वो दोनों बच्चियाँ काबिले रहम हालत में दुनिया के सामने आई हैं। गुर्बत की मारी माएँ अपने पीरों के घरों पे नहायत अकीदत, इज्जत, एहतराम और तकरीम के साथ अपनी बच्चियों को रखवाती हैं कि कुछ नहीं मिलेगा तो कम अज़ कम इन बच्चियों को खाना कपड़ा तो मिलेगा जो उनके माँ बाप नहीं दे सकते। और तो और उनके जहन में ये बात भी होती है कि पीरों की खिदमतगारों में हमारा भी शुमार होगा, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि वो अपनी औलाद को परवरिश और परदाख्त, अच्छे कपड़े और अच्छे खाने के लिए सिर्फ वहाँ नहीं रख रहे हैं बल्कि उन पीरों के पाँव में बांध रहे हैं। इन नन्ही बच्चियों को वो बांदी बना के उनके हवाले कर रहे हैं और उनके साथ जो वहाँ इन घरों में, इन महलों में, इन पीरों के आस्थानों में जो सलूक होता है, वो माँ बाप क्या, बहुत से सादा दिल लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें बताया जाए तो न समझते हैं न समझने की कोशिश करते हैं। उनका ख्याल होता है कि हमें न जाने क्या अला बला बताया जा रहा है। नन्ही फातिमा, इसका तो तड़पना दुनिया ने देखा है। पसमानदा माँ बाप का बस यही कसूर था कि अच्छे ख्याल अपने पीरों के बारे में अपने जहनों में रख कर इस बच्ची को उनके पाँव से बांध दिया गया था। और पाँव से बांधने का मतलब है कि वो जब चाहे उन्हें कुचल दे अपने कदमों तले, अपने बूटों तले, और जब चाहे झटके देकर आगे निकल जाए। लेकिन ये जो बच्ची के साथ हुआ है, नहायत हौलनाक मंजर था। जिसे कोई डर ना हो वो कौन होता है, सिर्फ खुदा है। और ये सब लोग, इस तरह के लोग ज़मीन के खुदा होते हैं जिन्हें ना अपने घर में मौजूद बच्चों का, औरतों का, लोगों का, इंसानों का ख्याल होता है, ना कदर और कानून तो कोई दूर की बात है, वो तो उन्हें रत्ती भर छू के ही नहीं गुजरी। उन्हें मालूम होता है कि कोई कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन जब खुदा को किसी को जलील करना होता है तो इस तरह की वीडियोस मंजरे आम पर आ जाती हैं। लेकिन ये इतने बेहया, बेशर्म, बेहिस, बेगैरत लोग होते हैं कि इन पर जू भी नहीं रेंगती। लेकिन ये एक लोग नहीं, एक पूरा ग्रोह होता है। ये ग्रोह होता है जिसके बलबूते पर, जिसकी बुनियाद पर ये लोग अपने आप को ज़मीन का खुदा समझ लेते हैं। इस पीर के साथ जो लोग शरीक हैं, वो डॉक्टर जिसने बच्ची के बारे में गलत रिपोर्ट लिखी और माँ बाप को बताई कि ये बच्ची बीमार थी, मर गई है, आगे ले जाओ, कचरा उठाओ और फेंक दो, बात यही हुई। और फिर वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले आसपास के तमाम इदारे और वो जिम्मेदार अफराद भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो जब मीडिया बच्ची के माँ के पास पहुँचा तो उसने अपना मुंह खोला कि मेरी बच्ची बीमार नहीं थी, सही सालिम, तंदुरुस्त, हंसती खेलती बच्ची थी जो बस शौक गई थी, जिसे डंडे के जोर पर नहीं भेजा गया था, और वहाँ इसका ये हाल हुआ, तड़प तड़प के मर गई है। जिन लोगों को अभी इसका एहसास नहीं है, उन्हें वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास होगा, ज़रूर होगा। किसी एक को तो कैफरे किरदार पर पहुंचाया जाए कि दूसरे इबरत हासिल करें। ये वाकया, ये सानहा, ये जो कयामत गुजरी है बच्ची पे, ये दबाने वाली बात नहीं है, ये दबेगी ही नहीं। अपनी आवाज़ इस सिलसिले में ज़रूर उठाइए, अपना हिस्सा डालिए मुजरिमों को, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए।